विक्रम भंडारी डॉट राजा। तो 9 जनवरी 2024 में मैं आया हूँ। बुद्धा का काफ़ी बढ़िया सा है, सेन सकाई सेंटरी बुद्धिस्ट मेनेस्टिक्स इंस्टीट्यूट 187 राजपुर रोड देहरादून। तो काफ़ी बढ़िया सा है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इसका व्यू काफ़ी सुंदर सा है और काफ़ी लोकप्रिय है और काफ़ी सुंदर सा है। तो अंदर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या खास है। तो यूट्यूबर विक्रम भंडारी डॉट राजा, आप ब्लॉग में बने रहे, मैं अंदर दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, 83 दिन हो जी। हाँ, तो सर कितने साल पुराना है ये? आप मेरे बेटे को बनाओ। अच्छा, तो 60 इयर्स ओल्ड है और काफ़ी बढ़िया सा है, टेम्पल है बुद्धिज्म का। तो आपको मैं दिखाता हूँ, 9 जनवरी 2024 है। तो काफ़ी बढ़िया सा टेम्पल है और काफ़ी बढ़िया, महात्मा बुद्ध के बहुत सारे प्रतिमा है इसमें, बहुत पौराणिक देवी देवता हैं, भगवान हैं। तो पौराणिक देवी देवता जो आपको दिख रहे हैं महात्मा बुद्ध के, तो काफ़ी सुंदर से हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे देवी देवता हैं, काफ़ी कुछ है और आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना सा। 83 दिन हो तो काफ़ी बढ़िया सा है। और यहाँ आगे तो महात्मा बुद्ध के 83 दिनों के काफ़ी सारे जो गुरु वहाँ पर भी हैं, जो मेन गेट है वहाँ पर 3 देवता बैठते हैं, गुरु हैं। तो बहुत बढ़िया से हैं, तो बहुत बढ़िया से गुरु हैं यहाँ पर, गुरु बैठते हैं सारे गुरुओं की, वहाँ के देवताओं के हैं जो बौद्धिस्म के गुरु होते हैं। तो काफ़ी गुरु होते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ से। सात गुरु हैं और 7 गुरु यहाँ पर विराजमान होते हैं। तो काफ़ी बड़ी 83 दिनों, तो 7 गुरु यहाँ बैठते हैं, पूरे इसमें 7 देवता बैठते हैं। जो देवता होते हैं जो यहाँ विराजमान हैं ही, वही देवता के रूप में यहाँ बैठते हैं। और उनके बुद्धिस्म के बहुत सारे देवता हैं और बहुत बढ़िया से अलौकिक है। तो महात्मा बुद्ध की जय जयकार हो। 60 इयर्स ओल्ड है और काफ़ी बढ़िया सा है और बहुत बढ़िया से इनमें महात्मा बुद्ध की बुद्धिस्म का चित्रकारी बहुत बढ़िया से है। आप देख सकते हैं बुद्धिस्म की चित्रकारी बहुत बढ़िया से है और बहुत बढ़िया से इनके रीति रिवाज होते हैं, बहुत पवित्र विचार हैं, बहुत पवित्र विचारों के साथ में बुद्धिस्म माना जाता है। और बहुत एक छोटी सी मूवी आएगी मेरी विक्रम भंडारी डॉट राजा की मूवी बुद्धिस्म के ऊपर में, महात्मा बुद्ध जी के ऊपर में, 9 जनवरी 2024 में। तहसील तो यहाँ के इतने पवित्र हैं कि इनके हर एक चीज़ में गंगा जल भरा जाता है, जो उसमें भरा जाता है गंगा जल का पवित्र जल रहता है। और बुद्धिस्म में 60 इयर्स ओल्ड से बुद्धिस्म चल रहा है और पूरे हमारे वर्ल्ड में बुद्धिस्म की जय जयकार हो। और उसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ कि बुद्धिस्म की जय जयकार हो और बहुत बढ़िया से अलौकिक इनके धर्म स्थल पे आया हूँ। और तो बहुत बढ़िया से आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया से बुद्धिस्म के जो बहुत बढ़िया से अलौकिक बहुत सुंदर से मंदिर है सामने पे है आपके, वहाँ बुद्धिस्म के गुरु बैठते हैं और बहुत बढ़िया से हैं। और यहाँ पर ये बुद्धिस्म का है, तो बुद्धिस्म के देवता जब यहाँ पर बैठते हैं तो उसके बाद में इसमें ढोल होता है, इनके देवता का पारंपरिक ढोल है और 60 साल पहले का ढोल है और काफ़ी बढ़िया। इस समय वर्ल्ड का सबसे फेमस जो सबसे बड़ा ढोल है वो आपको यहाँ पर दिख ही रहा है मेरे ब्लॉग में। तो बुद्धिस्म के यही माना जाएगा जो सबसे बड़ा ढोल आता है, सबसे बड़ा इंडिया का बिगेस्ट ढोल जो होता है, देवी देवताओं को नचाने वाला, देवी देवताओं को रिझाने वाला, देवी देवताओं को बुलाने वाला वो ढोल। यहाँ पर 2 पहले से हैं, एक ढोल ये रहा सामने पे आपके, बहुत बढ़िया से और बहुत बढ़िया बुद्धिस्म गांव के यहाँ पर चित्रकारी है, गांव के पूरे नक्शा है, काफ़ी बढ़िया से बुद्धिस्म देवता
जब गए थे अपने गांव में अपने मिलने के लिए जाते हैं, तो जहाँ जहाँ जाते हैं उसके बहुत बड़ी ऐसे वहाँ पर दो जियो जाते हैं और उसमें मिलते हैं सब लोगों से, तो उनकी पूरी चित्रकारी है वो है बुद्धिस्म के देवता सामने पे। वो मिलने जाते हैं अपने सारे देवता गांव में जाते हैं, तो उनके गांव की नक्काशी है और ये भी बुद्धिस्म के देवता एक यहाँ पर है जो यहाँ पर हैं, उनको प्रणाम तैसी दिनों तैसी दिनों। तो बहुत बढ़िया से है और आगे आपको दिखाता हूँ काफ़ी बढ़िया सुंदर से एक ढोलिए राजो पारंपरिक यहाँ पर बहुत बढ़िया से आप देख सकते हैं बुद्धिस्म के देवता और बहुत बढ़िया से जी दशी दिनों। अब ये मैं चढ़ा रहा हूँ इसको भेंट को, ये पकड़ दोगे गुरु जी आप ये पकड़ दोगे गुरु जी ने और मेरे चैनल का वीडियो वायरल हो जाए इसके लिए भी एक प्रार्थना है। बुद्धिस्म के गुरु महात्मा बुद्ध होते हैं, हाँ महात्मा बुद्ध कितने साल और कौन कौन से गुरु होते हैं इसके अंदर? तो बहुत ज़्यादा है। कौन कौन नाम कुछ सुन के? नाम तो हाँ बहुत ज़्यादा है, कुछ कुछ नाम बताएं जी इसको। अच्छा तो मैं चलाता हूँ आप ये तो जो भेंट है 9 जनवरी 2024 को मैं चला रहा हूँ शिव। आप यूट्यूबर हैं? मेरे चैनल का नाम है विक्रम भंडारी डॉट राजा, विक्रम भंडारी डॉट राजा। तो आप वो देना सब्सक्राइब लाइक और बेल आइकन करना, सब्सक्राइब लाइक जो आपके धर्म में आता है ऐसे। तैसी दिनों प्रणाम, तैसी दिनों गुरु जी, तैसी दिनों। तो आपको दिखाता हूँ बुद्धिस्म के देवता यहाँ पर हैं, काफ़ी बढ़िया सा लोग देवता है और काफ़ी बढ़िया यहाँ पर। आपका मन इतना पवित्र हो जाएगा, इतना शुद्ध हो जाएगा कि आप यहाँ के पवित्रता के विचारों में इतने पवित्र हो जाएंगे। अगर आप सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करें तो आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यही इसमें बुद्धिस्म के इस मंदिर की खासियत है और 60 साल पुराना मंदिर है, तो आपकी कोई भी मनोकामना हो पूर्ण हो जाती है। यहाँ से कोई चीज़ मिल सकती है जैसे अंगूठी कोई चीज़ खरीद सकते हैं? यहाँ से तो कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा तो ये बुद्धिस्म के बहुत बढ़िया देवी देवता हैं, यहाँ पर भी भेंट चढ़ाई जाती है जो अपनी मनोकामना हो मांगी जाती है ना। प्रणाम जी, प्रणाम यूट्यूबर रिकमेंडेड कैसा बढ़िया। तो यहाँ पर भी देवी देवता हैं और यहाँ पर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम इसके नौडमचे। तो तैसी दिनों नौडमचे, तो काफ़ी बढ़िया है और बहुत बढ़िया से यहाँ पर ये है देवता है, काफ़ी बढ़िया से देवता है विराजमान है और काफ़ी बढ़िया से। तो यहाँ पर भी महात्मा बुद्ध के जो देवता के साथ में उनके मंदिर के रक्षक होते हैं और ये यहाँ पर दिख ही रहे हैं आपको मंदिर के रक्षक और काफ़ी बढ़िया से हैं देवता। ये बुद्धिस्म की माता मानी जाती हैं, जो बुद्धिस्म की माता हैं बुद्धा जी की, उसमें बुद्धिस्म की माता आती हैं। इनका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर से हैं 60 साल पुरानी ये प्रतिमा है बुद्धिस्म की माता है और काफ़ी बढ़िया से बुद्धिस्म की माता के भी उसमें मेरा प्रणाम स्वीकार करें। वहाँ पर लॉ है तो वहाँ से मैं ये कर देता हूँ, लॉ चली हुई है जो कहते हैं। तो बुद्धिस्म की माता है बहुत सुंदर से उसमें विराजमान है, बहुत बढ़िया से उसमें विराजमान है। तो बुद्धिस्म की माता को भी प्रणाम मेरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया से सुंदर से
जन है और बहुत बढ़िया से बुद्धिस्म की बात है। अब बुद्धिस्म की माता के बाद में यहाँ देवी देवता है, तो बुद्धिस्म की माता को भी ऐसी बनो जय श्री राम जय श्री राम। तो काफ़ी बढ़िया से यहाँ पर बड़े बड़े गुरु जी विराजमान होते हैं, काफ़ी बढ़िया से, तो काफ़ी बढ़िया सा है। और यहाँ पर देवी देवता है, तो देवी देवता काफ़ी बढ़िया से इसमें विराजमान है और बहुत सुंदर से उसमें विराजमान रहते हैं देवी देवता के, और काफ़ी बढ़िया से है। और देवताओं के जो देवता विराजमान होते हैं यहाँ पर होते हैं काफ़ी सारे देवता, और बहुत नर्म प्यार भरा इनका व्यवहार आप लोगों को काफ़ी बढ़िया लगेगा। और बहुत सुंदर से इनकी प्रतिमा है, बहुत सुंदर से ये चित्रण है, आप यहाँ चित्रण बहुत बढ़िया से चित्रकारी है, बहुत बढ़िया से चित्र हैं, बहुत सुंदर सा ये मंदिर है, बहुत सुंदर सा पौराणिक मंदिर है, इसमें काफ़ी बढ़िया से नक्काशी है। और बुद्धिस्म का जो ड्रैगन आता है, ड्रैगन के बहुत बढ़िया सा है ड्रैगन, और काफ़ी बढ़िया से वहाँ पर भी चित्रण है, काफ़ी बढ़िया से आपको दिखा रहा हूँ ऊपर से वहाँ पर काफ़ी बढ़िया चित्रण है, बहुत बढ़िया चित्रण है, काफ़ी बढ़िया से ये एक अलौकिक धार्मिक पवित्र धर्म के ऊपर में एक मूवी है मेरी विक्रम भंडारी डॉट राजा की, तो आप लोगों को अच्छी लगेगी और आप लोगों की मनोकामना इससे भी पूर्ण होगी। आप देखना अपनी मनोकामना। गुरुजी जी ऐसी दिनों गुरुजी मैं भेंट चला था, तो काफ़ी बढ़िया सा है और आप देख सकते हैं। गर्भवेली माँ काफ़ी बढ़िया सा आप लोगों को मैं बढ़िया लागना होना और बहुत बढ़िया से आप लोगों को यह में प्रचार कर लो और आप तेने बढ़िया लाभ लो, तो बहुत बढ़िया से आप तेने देख लो, तो आप लोगों तेने ये वीडियो बढ़िया नहीं गेली फिर मेरी कामना चो। तो आप लोगों तेने बढ़िया लाभ लो ये मेरी कामना चो, देवी देवता सभी अपने चो, तो कामना काफ़ी बढ़िया से कामना कर लो चो, तो काफ़ी बढ़िया चो। काफ़ी बढ़िया आपको लगेगा, काफ़ी बढ़िया से सुंदर से है, तो काफ़ी सुंदर सा जैसे आप देख रहे हैं राजा महाराजाओं के पास भी इतना सुंदर चित्रण है, काफ़ी बढ़िया से है, बहुत बढ़िया से चित्रण यहाँ पर दिख रहे हैं, काफ़ी सुंदर सा मंदिर है, इसमें आप विनती मांग सकते हैं, तो इसमें विनती मांगते हैं ऐसे करके, तो बहुत बढ़िया सा धर्म का प्रतीक माना जाता है। पवित्र आत्मा बुरे विचार, पवित्र आत्मा काफ़ी बढ़िया से है। और यहाँ पर आपको दिखाते हैं गुरुओं के काफ़ी बढ़िया से चित्रण है, बहुत बढ़िया से है। और यहाँ पर भेड़ चला लो आप, पकड़ देना भेड़ चलाते ना आप, पकड़ देना इसको थोड़ा, पकड़ देना भेड़ चला लो, थोड़े से यहाँ पर आ जाइए आप, यहाँ पर आपको दूंगा ना भेंट, अपने हाथ से चढ़ाना उचित नहीं, आप चढ़ा दीजिए मेरे सामने, क्योंकि भेंट अपने हाथ से नहीं चढ़ाते ना, आपको सम्मान दिया मतलब वहाँ तो मैं चला, प्रार्थना कीजिए है ना गुरु जी, प्रार्थना क्या क्या बोलो, नहीं आप क्या चाहते हो प्रार्थना करो बस। यूट्यूबर विक्रम भंडारी डॉट राजा से मेरे चैनल बढ़िया चले और सभी लोग के साथ में अच्छा व्यवहार है, अच्छा मेरे कुछ गलतियाँ हो कहीं भी मुझसे गलतियाँ हुई हो माफ करना, और 9 जनवरी 2024 को बढ़िया रहे, उन सभी ने मेरा बहुत बढ़िया सम्मान दिया, सम्मान देते रहते हैं आज भी मुझे इस तरीके से सम्मान दिया, और ये वीडियो मेरी वायरल हो जाए और अच्छे से इनके भी काम काज हुए और बढ़िया रहे, इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बने रहे, और वीडियो ना हो पुटो खोलो और चमोली गढ़वा द्वारपुर गाँव का निवासी और काफ़ी बढ़िया से रहूँ, अच्छे से रहूँ और थोड़ा शरीर भी स्वच्छ रहे, शरीर बिल्कुल स्वच्छ रहे, खुश रहूँ
और कोई गलती कहीं पे भी मुझसे ना हो, उसकी मनोकामना कभी हुई हो आगे हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और सब कुछ बढ़िया रहे। और सभी लोगों की विनतियाँ यहाँ पर आकर के पूरी हो, आप लोग आए। गुरु जी इसका टाइम क्या है आने का यहाँ का? सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक। सुबह 8 बजे से 5 बजे तक आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, और यहाँ पर सारे देवी देवता बुद्धिज्म के देवता यहाँ पर बैठते हैं, जो मैंने आपको दिखाया है ना इसी में बैठते हैं ना सब लोग, तो आप लोगों को उनके दर्शन भी हो जाएंगे बुद्धिस्ट के देवता। और जो यहाँ पर अभी हैं, मैंने 3 गुरुजी दिखा दिए, नीचे भी कुछ दिखा दूंगा, तो उनकी पोशाक ये रहती है, बैठने का अर्घ होता है, सर पे मुकुट होता है ना, मुकुट होता है, तो मुकुट होता है। तो मैं भी बुद्धिस्म धर्म का इस समय सिर्फ बालक हूँ, मेरे भेद कबूल कर यूट्यूबर मंडारी रहता है उत्तराखंड। और जो कि गुरु जी इसके बारे में 60 ईयर्स पहले क्या है, और जो आपने बताया 8 बजे से आने का टाइम है और शाम के 5 बजे सुबह, तो इसको मम्मी पापा भाई बहन कोई भी आ सकता है? कोई भी आ सकता है, तो किसी से नहीं भी आ सकता है। तो आप एक चैनल देख लीजिए, इसमें आपका मेरे इसमें आ जाएगा यूट्यूब पर। उत्तराखंड पुलिस यूट्यूबर भी के मंडल ही गए थे इसलिए। हाँ आप अनसब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब कर दिए ठीक है। आप पुलिस है? नहीं आता हूँ ना, नाम देता हूँ पुलिस के नहीं, नहीं। पुलिस के मेरा उत्तराखंड पुलिस यूट्यूबर है विक्रम भंडारी डॉट राजा, तो जैसे मेरे उसमें नहीं 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 तो काफ़ी बढ़िया सा लगा इनसे मिल करके, और मन बहुत पवित्र हुआ। और जो भी बुरे क्लाप होते हैं, 1987 में मैं पैदा हो रखा हूँ और तब से यहाँ पर आ रखा हूँ। 24 अप्रैल 1987 को मेरा जन्म हुआ है, और तब से आज 9 जनवरी 2024 में मैं यहाँ आ रखा हूँ। 24 अप्रैल 1987 में मैं पैदा हो रखा हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 जनवरी 2024। ये मूवी है मेरी और बुद्धिज्म देवताओं की, और तो काफ़ी बढ़िया सा है। और यहाँ के लोक संस्कृति काफ़ी विख्यात हो और पूरे वर्ल्ड में इसका प्रचार हो, यही मेरी कामना है। यहाँ की लोक संस्कृति और बुद्धिज्म के पूरा वर्ल्ड में प्रचार हो, यही मेरी कामना है। और काफ़ी सुंदर सा यहाँ से आपको दिखाता हूँ यूट्यूबर विक्रम भंडारी डॉट है, तो काफी बढ़िया सा है। तो यहाँ पर बुद्धिस्ट के गुरु जी मुझे एक चीज पूछना था, उनको ले सकते बुद्धिस्ट गुरु जी। अच्छा अच्छा, मुझे कोई चीज़ खरीदना होगा यहाँ से, कोई माला होती है आपका, मैंने देखता देखता हूँ जाप कर जब मैं आऊँगा माला जाप करना होगा मुझे, तो माला कहाँ से मिलती है लेकर के? माला तो करना मिलती है, इधर नहीं मिलती है। ठीक है, पैसे देना। तो काफ़ी बढ़िया सा आप देखते बुद्धिस्ट का है, और यहाँ पर से मैं आपको दिखाता हूँ काफ़ी बढ़िया से यहाँ पर वो है, और काफ़ी सुंदर सा है यहाँ का। अब आए यहाँ का पौराणिक ढोल में दिखाता हूँ, जो ये है
जय श्री राम, जय श्री तैशी दिनों। तो आगे आपको मेरी मूवी मिलते रहेगी। तो चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। विक्रम भंडारी .raja से और सभी के ब्लॉग भी देखते रहें। तो आगे की मूवी में आपको कहीं और की दिखाऊंगा। आज का बुद्धिज्म के ऊपर मैं, मंदिर का नाम क्या है जी? मंदिर का नाम साकी सेंटर। तो साकी सेंटर के उसमें मैंने आपको दिखाया। तो आगे के मूवी में आपको देखते रहना। ये एक लौकिक और बहुत 60 साल पुरानी मंदिर है, साकी सेंटर। प्रणाम यूट्यूबर विक्रम भंडारी .raja। गुरु जी थोड़ा ये आप पकड़ सकते हो, शंख देख लेता हूँ मैं ऐसे करके। शंख को ना दिखा सकता हूँ हाथ में, थोड़े से शंख बजाऊंगा ना हाथ में। तो देवता को बुलाने का जो शंख है, पवित्र शंख है, ये वो शंख है जो पूरे देवताओं को यहाँ पर बुलाता है और पूजा पाठ में बहुत पवित्र माना जाता है। और ये बुद्धिज्म के देवताओं का शंख है और बुद्धिज्म के देवता जब भी यहाँ लोग आएंगे तो बुद्धिज्म को उससे माना जाता है। इसको वैसे विष्णु भगवान को उससे हिंदू धर्म में बोलते हैं, लेकिन बुद्धिज्म धर्म के उससे महात्मा बुद्ध जी ने अपने देवताओं के उससे यहाँ दे रखा है। और ये इन्हें क्या है बुद्धिज्म साकेस टेम्पल साके सेंटर तैशी दिनों। ठीक है गुरुजी, चलता हूँ। तो चलता हूँ, आप आगे देखते रहना। यहाँ की थोड़ी सी अलौकिक पौराणिक इतिहास क्या है, तो आपको ये वीडियो भी कुछ देर में मिल जाएगी। तो आप लोगों ने इतना सम्मान दिया, प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। और ये वीडियो आप तक पहुँच जाएगी विक्रम भंडारी .raja से, यूट्यूबर विक्रम भंडारी .raja से। तो आप लोगों के लिए प्यार और जय हिंद, जय भारत देश, जय वर्ल्ड। मैं पेमेंट हूँ आपको कैसे दूँ। तो यहाँ से अनुमति लेते हैं और चलता हूँ। तो काफी सुंदर अलौकिक पौराणिक है और काफी बढ़िया सा है। नीचे यूट्यूबर विक्रम भंडारी .raja। तो काफी बढ़िया सा टेंपल है। तो आपको दिखाता हूँ, इन्होंने इतना अच्छा सम्मान दिया उसके लिए। सुना तो काफ़ी अच्छा टेंपल है। और अब आपको इसके पार्ट मिलेंगे तो भेज दूंगा। तो आप चैनल में बने रहे, इसके लिए आपको प्यार भरा सहयोग और आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे।